ये आज किसानों के नाम पर जो घड़ियाली आंसू बहाते हैं वो जरा राजस्थान के इस इलाके में जाकर के देख के आए हैं कि दिल्ली से खासम खास लोगों ने आकर के मुफ्त के दाम यहां के किसानों की जमीनें हड़प की है कि नहीं की है, मुफ्त के दाम ले लिया है कि नहीं ले लिया है, किसानों के साथ घोर अन्याय किया है कि नहीं किया है। अगर उन किसानों को पता होता कि भविष्य में यहां सोलार का बहुत बड़ा पार्क बनने वाला है तो ये मेरे भले भोले किसान भाइयों ने ये जमीन दे दी होती क्या? और भाइयों बहनों, ये कैसा कारोबार चलाते थे मैं आपको समझाना चाहता हूं। इन्होंने एक कांग्रेस नाम का ताबीज बना के रखा हुआ है, ताबीज। और जो गलत काम करते हैं, बुरा काम करते हैं, सरकारी खजाने से लूट चलाते हैं, बैंकों से पैसे मार लेते हैं, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं, एक कांग्रेस का ताबीज बांध दो तो उनको एक रक्षा कवच मिल जाता था। वो लूटते रहते थे, मौज करते रहते थे, न बैंक कभी उनसे पैसे मांगती थी, न बैंक के पास कोई पैसे मांगने की व्यवस्था थी। भाइयों बहनों, देश आजाद होने के बाद देश में जितना पैसा बैंकों से लोगों को दिया गया उससे ज्यादा 2006 से 2014 के 8 साल के दरमियान दिया गया। अरे ले जाओ, लूटो, बस हमारा करते रहो, टेलीफोन करके बैंकों को लूटा गया। नामदार के टेलीफोन जाते थे और बैंक से पैसे दिए जाते थे। और ये आपके राजस्थान की कथा अभी 2 दिन पहले अखबार में बड़े विस्तार से आई है। एक स्टील का कारखाना डूबता हुआ, मौज करता हुआ, लाखों करोड़ों लूटने वाले, उन्होंने क्या किया? बैंक से हमें पैसे दिलवा दो, एक फर्जी कंपनी बन गई, उसने जमीनें खरीद ली और जमीन उनके खासम खास व्यक्ति को मिल गई। भाइयों बहनों, बैंक का पैसा लेकर के वो बैठ गए। हम आए, हमने खोजबीन शुरू की। भाइयों बहनों, हमने पाई पाई वापस लेने के लिए कानून बनाया और जो बड़े बड़े अपने आप को तिस्मार खा करोड़पति मानते थे उनको रोड़पति बना करके छोड़ दिया और रुपये सारे ला करके। भाइयों, आप मुझे बताइए, ये जिन्होंने देश का पैसा लूटा है उन लोगों से रुपया वापस लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? इसलिए हमने कठोर कानून बनाया है और कठोर कानून बनाने का परिणाम है पिछले दिनों जो बैंकों से पैसे लेने के बाद बैंकों का मुंह देखने को तैयार नहीं थे, 3 लाख करोड़ रुपया अब तक वापस देने के लिए मजबूर हुए हैं। भाइयों, अभी तो कानून बनाने का खबर मात्र से अभी तो डंडा थोड़े लोगों पे चलाया है, लेकिन ज्यादातर लोगों ने 3 लाख करोड़ रुपया बैंकों में कैसे भी करके जमा करा दिया। हमने कानून बनाया है कि अगर ऐसी बेईमानी करोगे तो आपकी कंपनी की मालिक खुद बैंक हो जाएगी, बैंक किसी और को दे देगी और आप करोड़पति से रोड़पति हो जाओगे। और कितने हो गए? दिवालिया कानून ऐसा कठोर बनाया, उसके बाद भी पैसे नहीं देते हो तो आपकी और भी कोई कंपनी होगी जिसने 1 भी रुपया नहीं लिया होगा, उस कंपनियों को भी सरकार जब्त कर लेगी। उसका आपका कार होगी, हेलीकॉप्टर होगा, विमान होगा, वो भी सरकार जब्त कर लेगी। इतना ही नहीं,
दुनिया के किसी देश में आपकी संपत्ति होगी उसको भी सरकार जब्त करेगी और इसलिए लोग कांप रहे हैं। भाइयों बहनों, जिन्होंने मिली भगत करके 70 साल तक मौज की है, आप मुझे बताइए वो एक मिनट भी मोदी को पसंद करेंगे क्या? वो मोदी को चाहेंगे क्या? भाजपा की नैतिकता वाली सरकारें चाहेंगे क्या? और इसलिए मैं कहना चाहता हूं भाइयों बहनों, आप भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाइए। राजस्थान में फिर से एक बार हमें सेवा करने का मौका दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपने पिछले 70 साल में जिन चीजों के सपने देखे हैं वो आने वाले दिनों में पूरा करने में मैं सफल होकर रहूंगा, ये मैं आपको वादा करने आया।